Now I have question number 31 and 32. 31. Let I equal to sine x and 1 plus cos x का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. आप देखते ही समझ गए होंगे कि आपको पुट करना है, और क्या पुट करना है जी, 1 प्लस कोस एक्स को आपने टी पुट करना है. डिफरेंशिएट बोथ साइड करोगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पे, 1 का तो 0 होता है ना, तो बराबर क्या आ गया, डी टी बाई डी एक्स हो गया. तो डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी टी बाई माइनस साइन एक्स, ये ऑप्शन आ गया है. तो अब आप इस वैल्यूज को यहां पर यूज कर लीजिए. तो आपके पास है साइन एक्स और इसके जगह पे टी आपने रख लिया है, और डी एक्स के प्लेस में डी टी बाई माइनस साइन एक्स आपने रखा है. कैंसिल माइनस कैंसिल, हमने साइन एक्स कर लिया, माइनस मैंने बाहर ले लिया. ओके, टी स्क्वायर क्या होता है ब्रदर, आप टी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, माइनस टी स्क्वायर हो गया ना, ठीक है, माइनस की पावर आ गई है नीचे से ऊपर आकर. तो अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, ध्यान है वाली बात, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन प्लस सी, तो माइनस टू में से वन गया तो आपके पास माइनस वन आएगा, यहां पर भी माइनस वन रहेगा, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो आपके पास यहां पर ये आ गया. अब आप समझते हैं टी की पावर माइनस वन यानी वन अपॉन टी होता है ना प्लस सी, और आप इसके प्लेस में क्या रख लेंगे, आपने टी क्या माना था, वन प्लस कोस एक्स प्लस सी. दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31. नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट 32, और 32 को जब आप सोल्व करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा जो लॉजिक का स्टैंडर्ड है ना अपना, थोड़ा सा 12th क्लास के स्टूडेंट की तरह सोचना है. 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स. ब्रदर आप कोट एक्स को क्या सोच सकते हैं, कोट एक्स क्या होता है बताइए, कोट एक्स होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और अगर आपने कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का 1 अपॉन 1 के साथ एलसीएम लिया तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा जी, साइन एक्स आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स. आप इस चीज को जानते हैं, साइन एक्स कहां आ जाएगा, ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाते हैं ना, तो आपके पास ये सम आ गया है साइन एक्स ऊपर. अब इससे आगे जो आपने सोचना है वो सोचने के लिए आप थोड़ा सा अपना लॉजिक ज्यादा रखिए. इस तरह से मैंने यहां पर टू लगाया, देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आपको अभी दो और दूसरी तीसरी लाइन पे समझ में आने लगेगा. मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ, क्या प्लानिंग चल रही, मैंने यहाँ पे 2 लगा लिया, यहाँ पे 1 अपॉन 2 लगा लिया, 2 साइन एक्स का मतलब 2 साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन एक्स है, और मेरे पास एक कोस एक्स भी कम पड़ रहा है, तो मैं कोस एक्स प्लस भी कर दूंगा, माइनस भी कर दूंगा, तो मेरे पास दो बॉक्स सेम टू सेम लगभग बन जाएंगी. तो मैंने किस तरह से लिखा, देखे कैसे लिखा है मैंने, साइन एक्स, फिर से साइन एक्स है मेरे पास, और एक बार मैंने कोस एक्स प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स. अब क्या करो भाई, इनकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लो, इस कोस एक्स को यहां ले लो, ठीक है, साइन एक्स को यहां ले लो, कोस एक्स को यहां, तो कोस एक्स मैंने आगे ले लिया, कोस एक्स, और यहां पे मैंने साइन एक्स ले लिया, ये वाला ऑप्शन लिया. आप देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आप इस तरह से, बात समझे ना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो ऑप्शन आपके पास आ गया है. तो 1/2 इंटीग्रल, एक बार इसके अपोन ये रखिए, आपने ये रखा तो एक वन रह गया सिर्फ कट के dx, और प्लस एक बार आप इसके अपोन पे ये रखिए तो क्या आ गया है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपोन साइन एक्स प्लस कोस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. अब आपको क्या करना है, आप इजीली समझ चुके हैं, पुट होगा जी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को आप टी पुट कर लीजिए. आपने टी पुट करा, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या आता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हमारे पास यहां पर आ गया, और यहां पे डी टी बाई डी एक्स. आप डी एक्स को इधर लेके आएंगे तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये ऑप्शन आ गया. आपको इसे यहां पर यूज करना है. अब देखिए हाफ, और इसका क्या हो गया जी, वन का तो हो गया एक्स, तो मैंने यहां पर एक्स लिख लिया है, एक्स बाई टू, और प्लस 1/2, और यहां पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपोन में टी, ये मैंने टी पुट करा हुआ है ना, और डीएक्स के प्लेस में क्या रखूं जी, डी टी अपोन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, मैंने ये रख लिया, ठीक है. तो अब जो है इससे आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो देखिए साइन में यहां पे कोस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, आप इसमें से या इसमें से किसी एक में से माइनस को कॉमन लीजिए, माइनस आपने कॉमन लिया तो आपका कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया, इससे ये क्या हो गया है, कैंसिल.
हो गया कैंसिल। तो आपके पास है एक्स बाई टू, ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया है, माइनस वन बाई टू और यहां पर वन अपॉन टी एंड डी टी। आप इसको सोल्व करिए, एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू लॉग टी प्लस सी, एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू और लॉग और टी के प्लेस में आप क्या रखेंगे ब्रदर, आपने माना था ना यहाँ पे टी कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो आप यहां पर कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको माना था ना आपने टी साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, तो यहाँ पे आप रखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये जो आया था ये तो डिफ्रेंशिएट करके आया था ना, हमने इसको माना था साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी माना था, तो हमने यहाँ पर रख लिया है और प्लस सी। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। आई होप यू एंजॉयड माई ऑल वीडियोज, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप ज्यादा से ज्यादा मेरे इसको सब्सक्राइब करिए ताकि जो हम डेली 5 या 5 से ज्यादा वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। भूलिए नहीं सब्सक्राइब करना मेरा यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ्स वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।